विश्व साहित्य की कुछ अनोखी और रोमांचक कहानियों से सजाई गई हमारी ये अनोखी पहल हॉरिडर संडे। हम जिस वक्त पे खड़े हैं, वहाँ हमारी नशा है जानकारी। इस दुनिया में जो भी जानने की चीज है, वो सब हमें हमारे हथेलियों पे चाहिए। हाँ, शायद उसे पढ़ भी ना पाए, शायद समझ भी ना पाए, शायद उसे जानना मुमकिन ही ना हो, फिर भी। यही नहीं, बल्कि इतिहास की ऐसे कुछ पन्ने जिसे खोलना मना है, हम उसे भी म्यूजियम में सजा के रख रहे हैं। लेकिन पैंडोरा के बॉक्स खुलने पे तो सिर्फ परी ही नहीं निकलते हैं, साथ में अंधेरा भी तो आता है। ऐसे ही एक अंधेरे की कहानी सुनाऊंगी आज। शुरू हो रहा है ऑथर एम आर जेम्स की कहानी द मिज़ोटेंट की, अनुवाद खौफ। मिज़ोटेंट है तस्वीर प्रिंट करने की एक अनोखी उपाय। मैं जिस वक्त की बात कर रही हूँ, तब मिज़ोटेंट का बहुत प्रचलन था। हाथों से बनाई तस्वीर और कैमरा से खींची गई फोटो के बीच की एक अवस्था थी मिज़ोटेंट। कैम्ब्रिज म्यूजियम में एक मिज़ोटेंट लेकर काम करने के वक्त एक डरावनी एहसास हुई थी मेरी। कैम्ब्रिज म्यूजियम में सुपर क्यूरेटर की नौकरी मिलने के बाद मैंने देखी मेरे कंधे पे पुराने दिन की सारी तस्वीर की जो डिपार्टमेंट है उसका भार दिया गया है। अच्छा लगा, इन सब टॉपोग्राफिकल फोटोज के बारे में मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ। लंदन में एंटीक कलेक्शन में जेडब्ल्यू पिक्सन बहुत फेमस है। कल मेरे पास वो एक चिट्ठी देकर एक मिज़ोटेंट बेचना चाहा। चिट्ठी था ऐसा, मैडम मेरा भेजा गया 918 नंबर की मिज़ोटेंट को देखने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 918 नंबर कैटलॉग में आंखें जाते ही मैंने देखी दी अननोन मिस्टीरियस मिज़ोटेंट। ऐसा कह के जनरली बहुत लोग बहुत कुछ सेल करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रकार म्यूजियम के दबाव में आके ही मैंने उसे खरीद लिया। शनिवार वो चीज मेरे पास आया। सारे काम करने के बाद रात में मैंने उसे खोला। तस्वीर में कुछ नहीं है, आजकल ऐसी तस्वीर हर जगह मिलती है। तस्वीर के बीच एक हवेली है, सामने नीचे दरवाजे की दो तरफ टोटल 8 खिड़की है, बाहर एक ऊंची दीवार उसे घेरे हुए है। उसके बाद आसपास बहुत सारे पेड़ है। घर के सामने लॉन का जो स्पेस है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन उसमें इतना डिटेलिंग है जैसे उस जगह को आंखों के सामने देखकर ही पेंट किया गया है। उस छवि को पलट के देखने पे उसमें एक छोटा सा कागज मिला जिसका ज्यादातर हिस्सा फोड़ दिया गया है। लास्ट दो लाइन है NGLEY हॉल ASEX, जैसे किसी जगह का नाम है। मेरी कॉलीग दीप्ति आ गई, वो ध्यान से उस तस्वीर को देखने लगी। मैंने उससे कहा, पता नहीं क्यों इसे खरीदा मैंने, फालतू है, कुछ नहीं है, ऐसे कि एक इंसान भी नहीं है इसमें, बेकार का 22 पाउंड चला गया। नहीं रे, उतना भी बुरा नहीं है, चांद की रोशनी में तो चारों तरफ अच्छा दिख रहा है। अरे रेखा, ये क्या बक रही थी इतनी देर तक, ये तो एक इंसान है तस्वीर के कोने में। एक इंसान जैसे सीधा खड़ा है तस्वीर के एक कोने में, जैसे उस घर के तरफ देख रहा है। हाँ, लेकिन पहली बार ये मेरी नजर में क्यों नहीं आया? और भी एक बात, जब पहली बार मैं इसे देखा था तो तब यहाँ कोई चांद नहीं था। कुछ देर बाद हम दोनों ही उसको वहां रख के गप्पे देते देते अपने घर आ गए। अगले दिन वैसे ही गुजरा जैसे गुजरता था। रात 8 बजते ही म्यूजियम खाली हो गया। मैं जाके डिस्प्ले में उस मिज़ोटेंट को देखने आई।
तस्वीर के पास लाइट ले जाते ही मेरा हाथ कांप उठा। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। दिल में जोर लाके फिर वो तस्वीर देखने के लिए हिम्मत लाई। तस्वीर में उस घर के सामने गेट क्रॉस करके एक इंसान का शरीर दिख रहा है, जैसे वो अपने घुटनों के बल चल रहा हो उस घर की तरफ। शरीर में काला रंग की ड्रेस है, पीठ में एक सफेद क्रॉस है। क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है। कुछ देर वैसे ही वहां बैठी रही, उसके बाद उसे अपने घर ले आके ड्रायर में लॉक करके सो गई। उस रात अच्छे से नींद नहीं आई। पिछले रात अगर दीप्ति ये सब नहीं देखी होती तो आज शायद मैं इसे अपना वहम मान लेती। अगले दिन शाम को दीप्ति को घर बुला के उस तस्वीर को फिर से देखने को बोली। क्यों, तूने ब्रश किया है क्या इसके ऊपर? फिर भी देखती हूँ। रेखा, वो इंसान कहाँ गया? मैंने तुरंत उसे देखा। सच में वो इंसान गायब था। उसके बदले घर के नीचे का एक खिड़की खुला था। तस्वीर में चांद अब बादल के पीछे छुप गया है। समझ आ गया कि कोई एक डरावनी हादसा होने का इशारा है। अब ये हादसा होने जा रहा है या ऑलरेडी हो चुका है, ये जानना है। उस रात से लेकर अगले पूरे दिन हम हजारों किताब देख लिया। बीच में उठ के दो चिट्ठी लिखी। एक में था पहली बार उस तस्वीर की डिटेल्स और लास्ट बार की तस्वीर की डिटेल्स, भेज दी प्रोफेसर जॉन्स के पास। फिर से उस जगह की तलाश में लग गई। सारी रात काम करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। सुबह भी उस जगह की तलाश करने निकल पड़े, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। शाम हो चुका है। मुझे नहीं लगता ये तस्वीर और बदलने वाली है। 24 घंटे बीत गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। घर के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। रात 12 बजे तस्वीर पे एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। वहां अब चांद पूरी तरह बादल में छुप गया है। घर के नीचे का वो खिड़की और खुला नहीं है। सामने की लॉन में अब फिर से वो इंसानी शरीर आ चुका है, लेकिन अब वो अपने पैर में सीधा खड़ा हुआ है। चांद की उल्टी तरफ है, इसीलिए मुंह दिखाई नहीं दे रहा है। बस उसके ढेर सारे बाल उसके मुंह पे आके गिरे हैं। उसके हाथों से वो कुछ घसीट के ले आ रहे हैं। अच्छे से देखने पर समझ आया कि वो एक बच्चा है, लेकिन वो जिंदा है या मुर्दा नहीं पता। जो होना था वो हो चुका है, लेकिन इसका मतलब क्या है? 2 घंटे हम उसके सामने बैठे रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। हम उसे वही छोड़ के आधे घंटे के लिए वहां से चले गए। वापस आके जो देखा वो और भी अजीब था। वहां उस तस्वीर में और कोई इंसानी शरीर नहीं है। पहली बार जैसे उसे देखा था वैसे ही हो गया है। हम देखते रहे उस रहस्य भरे तस्वीर की तरफ। फिर से सारे लोकल गाइड बुक में इस जगह के बारे में ढूंढने लगे, लेकिन हाल छोड़ने ही वाले थे तभी एक पेज हाथ लगा। वहां राइटर लिख रहे हैं, जेनियो चार्ज के बगल में ही है फ्रांसिस बंच की हवेली। उसके वंश का अब कोई जिंदा नहीं है। आखिरी जो उत्तराधिकारी था वो उसके बचपन में ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके फैमिली में उसके पापा मार्कस ही जिंदा थे। लास्ट उसका बॉडी मिला उस हवेली के हॉल से, तब वो बैठ के कोई म्यूजिटेंट बना रहे थे। उसे लेकर उस वक्त कुछ हलचल हुआ था मीडिया में, लेकिन उसके बाद सब शांत हो गया था।
धीरे धीरे रहस्य का अंधेरा घटने लगा हमारे आंखों के सामने से। ऐसे वक्त पर सुबह 5 बजे के आसपास हमारे पास प्रोफेसर की चिट्ठी आया। मैंने उसे खोल के तुरंत पढ़ना चालू कर दिया। उसमें लिखा है, वो तस्वीर एमिंग हॉल की है, बहुत दिन से बंद है। उस हवेली को लेकर एक कहानी याद आ गया। उस हवेली के मालिक मार्कस फ्रांसिस बहुत पावरफुल आदमी हुआ करता था। उसने बहुत सारे क्रिमिनल को पकड़ के मार दिया था, बस एक को छोड़ के। वो था गॉरिन। गॉरिन उस वक्त का सबसे खतरनाक क्रिमिनल हुआ करता था। लेकिन गॉरिन को पकड़ना मुश्किल होता देखकर एक रात मार्कस बहुत सारे लोग लेकर जंगल के बीच गॉरिन पर हमला चलाए। गॉरिन के हाथों से एक गोली एक प्रजा को जाके लग गई और क्या, गॉरिन की फांसी हो गई। उसे उस महल के पास ही दफन कर दिया गया था। उसके बाद गॉरिन को मार के उस वंश को खत्म करने के लिए प्रतिशोध लिया गॉरिन का दोस्त, और मार्कस के बेटे को एक रात छुपके से आके खिड़की से अंदर घुस के मार दिया और लाश को लेकर चला गया। चिट्ठी पढ़ना खत्म होते ही मैंने अपने सर पे हाथ रखकर बैठ गई। दीप्ति ने कही, अच्छा मतलब वो आदमी गॉरिन का दोस्त था? नहीं, वो गॉरिन खुद था। लेकिन गॉरिन तब मर चुका था। वो उसका आत्मा था, काली ड्रेस, पीठ में क्रॉस, वो गॉरिन था। प्रतिशोध लिया है उसने, लेकिन उस प्रतिशोध का मजा ही क्या जब उसके शत्रु को पता ही ना चले कि उसने प्रतिशोध लिया है। इसीलिए इस तस्वीर में आके उसने खुद इसे बताया कि उसी ने मार्कस के बेटे को मारा है। अब इसको यहीं पे बंद कर देना ही फिलहाल ठीक रहेगा। कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसे ही नॉन हिंदी इंडियन और फॉरेन स्टोरीज की हिंदी अनुवाद लाते रहते हैं। कहानी में हूँ मैं रोनिता, दीप्ति की आवाज में है पलक, स्क्रिप्ट में है पलक। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक डरते रहे, डराते रहे।